क्यूटी भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ छाया, आप देख रहे हैं भारत का विश्वसनीय न्यूज बुलेटिन सिर्फ क्यूटी भी भारत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गोल इल्म की शमा को पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, वो नाम है अहमद रजा। जी हाँ, हम इस वक्त बरेली के आले हजरत मदार शरीफ में हैं, दरगाह पर हैं। मेरे साथ इस समय हजरत जनाब जमील अहमद हैं, मैं उनसे जानकारी लूँगा थोड़ी सी। हजरत कुछ इनके बारे में बताइए, किस तरीके से इल्म की रोशनी पहुँचाई आगे बढ़े। आला हजरत फाजले बहरे आए दुनिया में तो उनकी जो है 14-15 साल से ही इनके इल्म का जहूर होने लगा, और 14 साल की उम्र में बेहतरीन जो है रियाजत का जो फतवा होता है रजाई, वो फतवा दिया, बेहतरीन वाला फतवा दिया, और कम से कम हजारों किताबें उन्होंने लिखी। सबसे बड़ा जो उनका कारनामा है वो है कंजुल ईमान, कुरान अजीम का बेहतरीन तर्जमा, और फतावा रजविया शरीफ जो इस्लामियात पे एक बेहतरीन जो है मसाइल की किताब है, जिससे पूरी दुनिया के लोग जो उससे इस्तफादा करते हैं, दीनी फायदे हासिल करते हैं। अच्छा, दो तरीके के लोग थे, एक तो हजरत साहब थे और एक थे जो है देवबंदी, मतलब इन दोनों में हमेशा लड़ाई रही इल्म को लेकर। हमारे नज़दीक जो है, अगर हमसे अगर आप सवाल करेंगे तो आला हजरत सरकार जो है आशिक रसूल थे, और जरा सी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 63 साल जिंदगी थी उसमें जर्रा बराबर भी नक्स नहीं समझते थे, उसका नाम है बरेलवी। उस मसलक का नाम है अकीदा अहले सुन्नत बरेलवी मसलक, यानी आला हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल जिंदगी में कोई भी कमी किसी से न सुनना चाहते थे, अगर कोई निकलता तो उसका रद्द फरमाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल जिंदगी में कहीं कोई नक्स नहीं है, न कहीं कोई कमी है। लेकिन इन लोगों के बारे में जो अकायद है, देवबंदी वहाबी और दीगर जो अकायद वाले हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी बातें जो है कि उनको या रसूलल्लाह ना पुकारो, उनका पुकारना दुरुस्त नहीं, इस तरह ये फ़र्क है बस। अच्छा, बहुत से लोग बरेलवी शरीफ से जो फतवे जारी होते हैं उसको नहीं मानते हैं, ऐसा क्या वजह है? नहीं, बरेलवी शरीफ के फतवे वही होते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल है, उसमें कोई कमी नहीं है, ना अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, जो नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही है, उससे जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं मुराद मांगने के लिए, कितनी दूरी होती है लोगों की? बिल्कुल, जो है क्या कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर कोई अगर बुजुर्गों की बारगाह में खैर की नीयत से पहुँचता है तो उसको मिलता है। ये अलग बात है कि ये हमारे अमाल की कमी तो हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों का फैजान जारी है। अच्छा, रामपुर बरेली जो है मजार शरीफ के नाम पर बहुत ही रोशन है और लोग इसको हर जुबा पे जानते हैं, हालांकि हजरत साहब की तो ससुराल भी रामपुर की है। हजरत साहब की ससुराल कहीं की हो, रामपुर की अच्छी बात है। रामपुर में पहले जो है बहुत अच्छी सुन्नियत थी रामपुर की, लेकिन बाद में जो सुलह कुल्लियत हुई, हम इनको भी अच्छा कर रहे हैं, उनको भी अच्छा कर रहे हैं। अरे अच्छा तो एक ही होगा जो जन्नती होगा, जी जी जी, अच्छा तो एक ही होगा जो जन्नती होगा, सुन्नियों का है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम और अहले बैत अथार के में कोई कमी ना निकलता हो, उसी का नाम सुन्नी बरेलवी है। बिल्कुल, माशाल्लाह से। ये बताइए कि ज़्यादातर इल्म की रोशनी बांटने वाले जो हज़रत अहमद रजा जो खान हैं, उनके ज़्यादा चर्चाएँ ये हैं कि ज़्यादातर उन्होंने धर्म को लेकर, इस्लाम को लेकर जो है पैगाम दिया लोगों के बीच गए, और मुसलमानों के दिल में आज भी प्रेम मोहब्बत जो है जगाई, और वही जो है आज लोग प्यार करते हैं। सरकार आला हजरत की 60 साल जिंदगी बिल्कुल दीन कामिल को आगे बढ़ाने में रही, पूरी जिंदगी उन्होंने, यहाँ तक कि अपने घर बार के काम को छोड़ दिया, सब अपने भाई अल्लामा हसन बरेलवी को सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल उनका कलम जो दीन के खातिर ही हमा वक्त चलता रहता था उनका कलम, और वो घर का काम बिल्कुल नहीं देखते थे, उनके भाई साहब देखते थे। हर वक्त आला हजरत दीन को आगे बढ़ाने के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन कैसे आगे बढ़े उसमें हमा वक्त रहते थे उसी काम में, लिखना पढ़ना उनका हर वक्त यही रहता था। और उनके 8-10 खुलफा थे जिनको वो तालीम देते थे, उसमें मौलाना अमजद इस्लाम, मौलाना मुस्तफ़ा रजा खां और मौलाना बुरहान मिल्लत और बहुत सारे
मुहद्दिस कछौछ भी ये लोग थे उनके शागिर्द जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया और उनके शागिर्द जहाँ जहाँ गए उन्हीं के नाम से सुन गया। 850 रुपए हैं। और ये जनाब एक बात हो रही है कि मुस्लिम मौलवी जो तालिबान आतंकवाद और वहाबी की हमेशा जो है उन्होंने मुखालफत की और कड़े निंदा की। अहले सुन्नत तो अहले सुन्नत जो है कोई ऐसा है ही नहीं जिस जो दहशतगर्द हो। अन्ना यहाँ के उलमा का ये मिशन है न वो दहशतगर्दी की तायद करते हैं न उसमें रहते हैं न उनका फर्द न उनके मानने वाले उनके जानने वाले न हमारे रहबर इस सब में है ही नहीं बिल्कुल। उनको तो सिर्फ जब दीनी काम से मतलब है, है? नमाज पढ़े रोज़ा रखे हज करे इन इन मसाइल से मतलब है और दहशतगर्दी से न मुझे मतलब न मेरे रहबर को न मेरे अफराद को न मेरे बच्चों को न इस सुन्नियत के मानने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये जनाब थे जमील अहमद रिजवी जिन्होंने अपनी जो है कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें और बहुत जो है इम्पोर्टेंस बात जो है लोगों को दी है। क्यू टी वी भारत के ज़रिए ये संदेश लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि बरेलवी में जो है हजरत की बातें लोगों तक पहुंचे, उनकी जो मिसालें हैं वो लोगों तक पहुंचे। बात करते हैं अहमद रज़ा ख़ान की जो अरबी फ़ारसी उर्दू में माहिर थे और हालांकि जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को पैगाम भेजा उनकी कई सारी किताबें हैं पैगाम उन्होंने लोगों को दिया मुसलमानों को प्रेम की भावना से उन लोगों को प्यार दिया और इल्म की जो रोशनी जलाई वो सबसे बड़ी बात है वो हमेशा जलती रहेगी। और आज भी लोग बड़ी दूर दराज से हज़रत की दरगाह पर आते हैं चादर पोशी करते हैं और इल्म की रोशनी यहाँ से हासिल करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाज़िम के साथ अफ़ान अहमद क्यू टी वी भारत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।